हेलो किड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अर्थ पर जितने भी लिविंग्स थे, जितने भी डाइवर्सिटी हमें मिली थी, उन सब को हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट करना है, उनका क्लासिफिकेशन करना है। उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक ब्रांचेस है बायोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हम ये सारे काम करते हैं। तो वो ब्रांचेस कौन कौन सी है? टैक्सोनॉमी है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी है, एंड सिस्टमैटिक्स है। तो इनके अंदर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है क्लासिफिकेशन पे। सो हमारे पास जो सबसे पहली जो ब्रांच रहती है वो है टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक है टैक्सिस और एक है नॉम्स। ठीक है, इन दोनों के मतलब क्या है वो देखते हैं। देखो, टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है, और नॉम्स का मतलब होता है विद लॉ। ठीक है, तो सीधी सी बात, हमारे पास टैक्सोनॉमी के लिए एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आ चुकी है, जो क्या है, हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है लॉ या मेथड के साथ किसका, लिविंग्स का। तो हम बोल सकते हैं टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दूसरा, या आप ये डेफिनेशन दे सकते हो, इसके अलावा आप एक और डेफिनेशन है जो हम टैक्सोनॉमी के लिए यूज करते हैं, और जो दूसरी डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से रहेगी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा, या आप वर्ड यूज कर सकते हो कैटेगरी। बेस्ड ऑन दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो हमें टैक्सोनॉमी में क्या करना है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को टैक्सा या कैटेगरीज के अंदर क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, अब क्या है टैक्सोनॉमी जो ब्रांच है, इस टैक्सोनॉमी ब्रांच के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस है जो यूज की जाती है? तो हमारे पास चार प्रोसेस आती है जो कि टैक्सोनॉमी में यूज की जाती है। जो पहली जो रहती है वो होती है कैरेक्टराइजेशन। दूसरा रहता है आइडेंटिफिकेशन। और थर्ड जो हमारे पास प्रोसेस रहती है टैक्सोनॉमी में वो होता है नोमेनक्लेचर एंड फोर्थ रहता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये है हमारे मेन जो प्रोसेस क्लासिफिकेशन में यूज की जाती है। इनके जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको, लिविंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा। एक कुछ कैरेक्टर्स होंगे, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उनको हमें सेट करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें उनको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, देन हम उनको नोमेनक्लेचर करेंगे एंड क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस है वो किसके अंदर हो रही है, टैक्सोनॉमी के अंदर हो रही है। इसके अलावा जो टैक्सोनॉमी वर्ड पे आते हैं अब, तो अगर हम टैक्सोनॉमी वर्ड देखें तो जो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है प्रपोज्ड बाय, तो आंसर आएगा ए पी डे कंडोले। ठीक है, एक टैक्सोनॉमिस्ट थे जिन्होंने
टेक्सोनोमी वर्ड दिया और एपीडी कंडोले ने एक बुक थी उसके अंदर इसको मेंशन किया था। अगर हम उसकी बुक का नाम मेंशन करें तो उनकी बुक का नाम था थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ठीक है, इस बुक के अंदर एपीडी कंडोले ने टेक्सोनोमी वर्ड को सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो टेक्सोनोमी वर्ड है वो किसने प्रपोज किया, तो आंसर जाएगा एपीडी कंडोले। इसके बाद अगर हम देखें कि जो टेक्सोनोमी है इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसके अंदर टेक्सोनोमी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी पूछा गया है। तो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हम देखें इसका क्या होता है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनोमी, तो आंसर आएगा हमारे पास आइडेंटिफिकेशन करना किसका, ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यह टेक्सोनोमी का क्या रहता है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेशन, जिसके अंदर क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है अननोन ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सोनोमी, तो वो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी। तो हमारे पास अलग अलग टाइप की टेक्सोनोमी रहती है। कौन कौन सी टेक्सोनोमी है अगर हम देखें, तो हमारे पास जो पहला टाइप रहता है टेक्सोनोमी का वो रहता है साइटोटेक्सोनोमी। साइटोटेक्सोनोमी, देखो वर्ड में ही पूरा का पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। साइटो वर्ड यूज किया जाता है सेल पे, तो इसका मतलब ये साइटोटेक्सोनोमी है टोटली बेस्ड है किसके ऊपर, जो सेलुलर इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो साइटोटेक्सोनोमी किसके ऊपर बेस्ड है, सेलुलर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बेसिस पे तो साइटोटेक्सोनोमी में कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो रखे जाते हैं मेनली। पहला रखा जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इसके अलावा बिहेवियर भी देखा जाता है, ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो किसके प्रस्पेक्टिव देखी जाती है, साइटोटेक्सोनोमी की बात। सेकंड जो हमारे पास टेक्सोनोमी का टाइप आता है वो होता है कीमो टेक्सोनोमी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वर्ड कीमो से आपको क्लैरिफाई हो गया होगा, कीमो वर्ड यूज किया जाता है केमिकल, तो दैट मीन ये किसके ऊपर बेस्ड है, केमिकल। ठीक है, तो अगर आपको पता है हमारी जो सेल है और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ क्या मिलते हैं हमें, केमिकल्स मिलते हैं। ठीक है, अगर हम उन केमिकल्स के एग्जांपल देखें तो कौन कौन से रहेंगे, जैसे कि अगर केमिकल्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड देखने को मिलती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ अगर हम बात करें अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और हम देखें केमिकल्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इन केमिकल्स के बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऐसी ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, कीमोटेक्सोनोमी बोला जाता है। और जो थर्ड हमारे पास ब्रांच आती है वो रहती है कैरियोटेक्सोनोमी। कैरियोटेक्सोनोमी और कैरियोटेक्सोनोमी में कैरियो वर्ड जो है बेसिकली यूज किया जाता है किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए स्पेसिफिक। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम। तो कैरियोटेक्सोनोमी के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, बेंडिंग पैटर्न देखा जाता है, बेंडिंग
पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो बेंडिंग पैटर्न के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या जाएगा, कैरियोटेक्सोनोमी आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कैरियोटेक्सोनोमी के अंदर, क्योंकि कैरियो वर्ड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, तो क्रोमोसोम का नंबर, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर, ये किसके मेन पॉइंट रहेंगे, साइटोटेक्सोनोमी। लेकिन क्रोमोसोम के ऊपर जो बेंडिंग पैटर्न है उसके बेसिस पे किया जा रहा है, तब हमारा आंसर आएगा कैरियोटेक्सोनोमी। तो ये तीन, वैसे तो बहुत अलग अलग टाइप ऑफ टेक्सोनोमी होती है, लेकिन ये तीन मेन टैक्सोनॉमी के टाइप से जो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी टैक्सोनॉमी। उसके बाद हमारे पास आता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी, वो क्या है वो देखते हैं। तो हम देखते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। देखो, टेक्सोनॉमी के बाद जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ थी उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर ऐसे करैक्टरिस्टिक्स उठाए गए थे टेक्सोनॉमिस्ट के थ्रू, वो कौन कौन से थे वो देखते हैं हम। देखो, जो पहला करैक्टरिस्टिक उठाया था, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंड जो करैक्टरिस्टिक्स था जो कि टैक्सोनॉमिस्ट ने यूज किया था वो थी स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या लिया गया था, दो के बाद तीसरा था डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोसेस और जो फोर्थ हमने रखा था, मतलब टेक्सोनॉमिस्ट थे जो जिन्होंने मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडी में रखा था इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देखी गई थी। ठीक है, स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर सेल की भी देखी गई थी, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनकी बेस पे पूरी की पूरी मॉडर्न जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज की गई थी, किसके थ्रू, टैक्सोनॉमिस्ट के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा एक और ब्रांच है जो कि टेक्सोनॉमी से काफ़ी रिजेंबल है, टेक्सोनॉमी की तरह वो भी क्या करती है, क्लासिफिकेशन करती है, और उस ब्रांच को हम किस नाम से जानते हैं, उस ब्रांच को बोला जाता है सिस्टमैटिक्स। उसको क्या बोला जाता है, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक्स जो वर्ड है, अगर हम इस वर्ड की बात करें तो इस वर्ड का डेरिवेशन, यानी कि ये वर्ड जो होता है डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। ठीक है, एक लेटिन वर्ड से डेराइव हुआ है, और लेटिन वर्ड क्या था, सिस्टेमा। ठीक है, और इस वर्ड का मीनिंग देखें, सिस्टेमा का मीनिंग क्या होता है, अगर हम इसका मीनिंग देखें तो मीनिंग हमारे सामने आता है, सिस्टेमा का मीनिंग होता है सिस्टमेटिक मैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो सिस्टमेटिक टर्म है, या ऐसे बोले कि सबसे पहले जो सिस्टमेटिक टर्म का यूज किसने किया, या किसने ये टर्म दी, तो आंसर आएगा हमारे पास लीनियस ने। ठीक है, लीनियस ने जो ये टर्म था सिस्टमेटिक्स, वो अपनी एक बुक थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, इस बुक का जो टाइटल नेम था सिस्टेमा नेचुरी, जिसके अंदर उन्होंने सिस्टमैटिक्स वर्ड को यूज किया। ठीक है, देन अब जो सिस्टमैटिक्स है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, तो सिस्टमैटिक्स के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस जो थी क्लासिफिकेशन के लिए यूज की गई थी। देखो, इस सिस्टमैटिक्स में पहला तो काम क्या करना था, आइडेंटिफिकेशन का। ठीक है, उसके बाद में सेकंड यहां पे करना था नोमेनक्लेचर, और उसके बाद थर्ड था यहां पे क्लासिफिकेशन,
और क्लासिफिकेशन के साथ साथ जो सिस्टमैटिक्स थे, इन्होंने एक और चीज़ को ऐड किया और वो था फोर्थ जो पॉइंट था, सबसे इम्पोर्टेंट था, वो था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब ये एक टर्म था जो टैक्सोनॉमी से अलग था, बाकी की चीज़ें तो सारी की सारी हमने किसमें देखी है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सारा का सारा हमने टैक्सोनॉमी में भी देखा है, लेकिन जो सिस्टमैटिक्स था वो थोड़ा अलग था क्योंकि उसके अंदर एक और पॉइंट ऐड किया गया था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो हम देखते हैं कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता क्या है। तो अगर हम इसके अंदर देखें, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, यानी आप बोल सकते हो बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो होता क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अंदर ये चीज़ देखा गया है कि जो नया ऑर्गेनिज्म है वो पुराने ऑर्गेनिज्म जो है उनमें से किस ऑर्गेनिज्म के ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। तो नियरेस्ट ऑर्गेनिज्म को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, नियरेस्ट ऑर्गेनिजम्स विद न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं। देखो ह्यूमन का नाम आते हैं, तीन करैक्टरिस्टिक्स जो है वो ह्यूमन में आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, कौन कौन से हैं। देखो पहला चीज वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की प्रेजेंस। दूसरी चीज हेयरी स्किन, ठीक है। और तीसरा हमें देखने को मिलता है मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों करैक्टरिस्टिक्स हमें किस में देखने को मिलते हैं, ह्यूमन में, ठीक है। अब अगर इन तीनों करैक्टरिस्टिक्स का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखें, इन तीनों करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, किसके अंदर, फिश में और एक हम ले लेते हैं मंकी में, ठीक है। तो मंकी मान लीजिए एक न्यू ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो यहाँ आप देखोगे कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर देखें तो फिश के अंदर वर्टिब्रे कॉलम होता है, मंकी में भी होता है। हेयरी स्किन जो है फिश में नहीं होती लेकिन मंकी में होती है। मेमोरी ग्लैंड जो है फिश में नहीं होती और मंकी में होती है। दैट मीन मंकी जो है वो ज़्यादा किसके क्लोज है, वो ज़्यादा क्लोज है ह्यूमन के कंपैरेटिव टू फिश। तो हम बोल सकते हैं, मान लीजिए ये मंकी है और ये ह्यूमन है, ठीक है। इन दोनों का कहीं ना कहीं एक सिमिलर एंसेस्टर रहा होगा। और वहीं अगर हम देखें ये फिश है तो वर्टिब्रे कॉलम दोनों में प्रेजेंट है, तीनों में ही प्रेजेंट है। तो मतलब इन तीनों का भी एक कॉमन एंसेस्टर कहीं ना कहीं रहा होगा। तो इस तरीके से हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसके अंदर, सिस्टमैटिक्स के अंदर, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स बेसिकली क्या है, अगर हम सिस्टमैटिक्स को देखें तो आप बोल सकते हो सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस, और क्या है, टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारे पास कौन सी ब्रांच आ जाएगी, सिस्टमैटिक्स ब्रांच आ जाएगी। यानी कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि इवोल्यूशनरी, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड कर दे तो हमारी कौन सी ब्रांच बनती है, सिस्टमैटिक्स ब्रांच बनती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम किसके लिए कर रहे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर आइडेंटिफाई हुए हैं उन सब ऑर्गेनिज्म को हमें प्रॉपर तरीके से क्या करना है, अरेंज करना है। और अरेंजमेंट करने के लिए हमें टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इन सब को क्लासिफाई करने के लिए, करने से पहले इन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका हमें एक पर्टिकुलर नेम देना पड़ेगा। तो नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाएगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडी। Thank you.